पिछले 5-10 वर्षों के अंदर ऐसे ऐसे राक्षस, ऐसे ऐसे प्रेत और पिशाच प्रकट हो गए, देवालय की जगह दरबार खड़े हो गए। मतलब अब हम कुछ कहने, किसी के ऊपर अब ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, जितना बोलना था उतना बोल ही दिए है। लेकिन ये जो है, इसका समाधान तो कहीं ना कहीं होना था, और हमने खूब समझाने का प्रयत्न किया कि भाई अपने शास्त्र के प्रमाण के साथ, विवेक के साथ, सहज में ही हमने समझाया, कोई ज्यादा आडंबर भी हमने इसमें नहीं लिया। लेकिन हमने देख लिया कि अब ज्यादा लोगों की बुद्धि को ये सब चीजों ने इतना ग्रसित कर दिया है कि सामान्य जनमानस की बुद्धि भी जहां पर सत्य है, जहां शास्त्र है, जहां देवत्व है, जहां ईश्वरत्व है, उस दिशा की तरफ उनका मन नहीं जाता है और तमस की तरफ, विनाश की तरफ, पतन की ओर जा रहा है। क्योंकि पतन की तरफ ले जाने के लिए, अधर्म की ओर ले जाने के लिए, धर्म से विमुख करने के लिए जो संसाधन, सुविधाएं और जो वातावरण चाहिए, वो इस समय में पूर्ण फुल चार्ज में है। तो इनको डिस्चार्ज करने का टाइम आ गया। तो बजरंग बाण के द्वारा तो जो गदा सिर पर पड़ रही थी, तो इनको लगा कि चलो गदा ही खाक, मतलब ये तो इतने लज्जाहीन है ना कि गदा पड़ेगी भी तो वो फिर वही आकर कह रहे कि सब अपना नाटकबाजी। तो इसलिए हम धीरे धीरे हमने संकल्प लिया और जड़ से ही उखाड़ने की तैयारी चल रही है कि जो धर्म है वो टिके, अधर्म है वो नष्ट हो। हम लोग सिर्फ घोषणा नारेबाजी करते, उससे कुछ होने वाला नहीं। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, उसके लिए वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अगर हम किसी पर आक्रमण करना चाहते हैं तो आपके पास शस्त्र होना चाहिए, आप उसके ऊपर वो प्रहार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जो दैवीय अस्त्र है उसके प्रहार करने पड़ेंगे। तो हमने एक महाकाल यज्ञ के माध्यम से किया। तो बहुत से लोग होते हैं कि आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो तामसी शक्तियां